Step number 5, experimentation, which is the basic step of biological method. The most basic step of biological method is experimentation. Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. The deductions which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. Through experimentations, biologists learn which hypothesis is correct. The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted. The accepted hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test its validity. तो हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि हाइपोथेसिस की बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ की गई थी हाइपोथेसिस सही है या नहीं है तो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो करेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है. व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स. In science, when doing the experiment, it must be a controlled experiment. The scientist must contrast an experimental group with a control group. The two groups are treated exactly like, except for one variable being tested. For example, in an experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis, one can contrast the control group, a plant with freely available carbon dioxide, with an experimental group, a plant with no carbon dioxide available. The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis occurs in the control group and does not occur in the experimental group. तो इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो दो ग्रुप्स बना देते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है और एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है. तो साइंटिस्ट जो है इन दोनों ग्रुप्स में सारी चीज़ें सेम सेम रखते हैं सिवाय एक चीज़ के जिसे आप कहते हैं कंट्रोल्ड. तो अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक जो है वो आपके पास कंट्रोल ग्रुप है. कंट्रोल ग्रुप में साइंटिस्ट ने प्लांट को खुली फिज़ा में रख दिया जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी और जो दूसरा ग्रुप है आपके पास एक्सपेरिमेंटल, उसमें क्या किया गया, प्लांट को एक रूम में रख दिया गया जहाँ पे फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी. तो रिजल्ट्स आपके पास क्या हैं कि वो वाला प्लांट जो कि कंट्रोल ग्रुप है जिसे फिज़ा में रखा गया वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा. नंबर 6, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स. हाउ रिजल्ट्स कैन बी समराइज्ड. बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली टू ड्रॉ कंक्लूजंस. बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करते हुए रिजल्ट्स को ड्रॉ किया जाता है. बार्स को ग्राफ्स को ड्रॉ करते हुए रिजल्ट्स को ड्रॉ किया जाता है. नंबर 7, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. हाउ टू पब्लिश रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स. बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. Publishing of results is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, observations की जाती हैं. Observations के बाद hypothesis draw किए जाते हैं, फिर conclusions हैं, फिर experiments हैं. Experiments को करने के बाद results को summarize किया जाता है bar graphs में. उसके बाद रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है, यानी कि पब्लिश किया जाता है कि आपके पास क्या रिज़ल्ट आया है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का. तो ये था आपके पास आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. तो डायरी है आपके पास यूनिट 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेज नंबर 22-23 हाफ इज़ फॉर लर्न प्लस मेक 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، تھینک یو.